Friend, I am Ankit Kumar from NIIT College, Greater Noida. This is my first project based on dual axis solar tracking system. यहाँ मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है, पर आपको बता दो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं. सो फ्रॉम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज सोलर पैनल, दिस इज LDR एंड दिस इज अनदर LDR, दिस इज मोटर एंड यू कैन सी इट हियर. One LDR is here and one LDR is here, and this is our dual axis solar tracking system. So one motor is here, which is used for vertical rotation. This is our hardware kit. Here this IC is L293D IC, which is used for motor rotation, and this IC is LM339, which is used for observing the sensor, and this is our power supply battery. यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे इसका काम करता है डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकिंग सिस्टम. जिस डायरेक्शन में इसे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा उस डायरेक्शन में सोलर पैनल हमारा मूव करना शुरू कर देगा, जैसे आप देख रहे हैं. सोलर पैनल मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन मिल रहा है उधर ये मूव कर रहा है, और जैसे इस लाइट का इंटेंसिटी मैं अपोजिट डायरेक्शन करूंगा ये ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. Like that. तुम देख नहीं रहे हो? देखना तो सही है. और जैसा कि आप जानते हैं ये dual axis solar tracking system means ये horizontal move करेगा and vertical move करेगा. So मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये vertically कैसे move करता है. यहाँ दो LDR लगी है जो कि हमें सपोर्ट करती है लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन मूवमेंट के लिए. जब लेफ्ट वाले LDR पर लाइट आएगी तो ये हमारे पूरे सोलर पैनल लेफ्ट डायरेक्शन मूव करने शुरू कर जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं. जब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट राइट वाले LDR पर आएगी ये हमारे राइट डायरेक्शन मूव करने शुरू कर रही है. और आप इसे गौर से देखें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे ये राइट डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव कर रही है. अगेन इन लेफ्ट डायरेक्शन.